आपकी अनइवन स्किन टोन है ना, आपको इसको जस्ट वहां वहां पर अप्लाई करना। जब आप इसको मिक्स करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक बहुत ही मजे का पीची सा और बिल्कुल आपकी स्किन टोन के जैसा शेड जो है ना। इन सब की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, इसमें बिल्कुल येलो स्टोन भी होती है, आप वो भी एड कर सकते हो। करीब से दिखाती हूँ। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप नो मेकअप लुक के लिए किस तरह से जो आपकी बिल्कुल इनविजिबल फाउंडेशन है वो घर पे बना सकते हो और उसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम मेकअप करके नहीं जा सकते, वहां पे जरूरत होती है कि कुछ ऐसा लगाया जाए जो कि बिल्कुल नो मेकअप की तरह लगे, पता ही नहीं चले कि आपने फेस के ऊपर कुछ लगाया, क्योंकि गुड लुकिंग लगना भी जरूरी है। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस हेयर को ट्राई करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो है जी कलर करेक्टर्स। प्रो के कलर करेक्टर्स को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और आपने इनको ज्यादातर सलोन्स में देखा होगा, क्योंकि इतना डीपली जो है ना मेकअप पे वर्क सलोन में ही किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चार डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं कलर करेक्टर में। इन सब की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूं तो यहाँ पर आपको जो ये ऑरेंज कलर करेक्टर नजर आ रहा है, इसको यूज किया जाता है ज्यादातर डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, जो कि ब्लैक या डार्क ब्राउन शेड में होते हैं आपके फेस के ऊपर, जैसा कि मोस्टली अनइवन स्किन टोन होती है, उसको आप इसके साथ हाइड करते हो और उसके ऊपर जो है ना वो बेस की एक तह लगाई जाती है ताकि इसको आप इजीली हाइड कर सको, कोई पिगमेंट नजर ना आए। सेकंड पे है जी हमारे पास ये वाला कंसीलर। कंसीलर तो आपको पता है कि यूज किया जाता है फाउंडेशन के ऊपर आपके जो जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको मजीद हाइड करने के लिए, जैसा कि अक्सर ऐसा होता है फाउंडेशन लगाने के बाद भी डार्क स्पॉट्स नजर आ रहे होते हैं, तो आप जो है ना ऊपर कंसीलर लगाते हो ताकि वो बिल्कुल ब्लर हो जाए। सो ये यूज होगा उस पर्पज के लिए। थर्ड पे है जी हमारे पास एक ग्रीन वाला कलर करेक्टर। इसको यूज किया जाता है आपके फेस पे जितनी भी रेडनेस है, जैसा कि कुछ लोगों का फेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन फेयर होने की वजह से भी रेड रहता है, कुछ लोगों का जो फेस है उसके ऊपर रेड कलर के पिंपल्स होते हैं, कुछ लोगों के फेस पे रेड कलर की छाइयां होती हैं, तो इन किसी भी टाइप पे अगर आपके फेस पे कोई रेडनेस है ना, आप उसको इस ग्रीन कलर करेक्टर के साथ हाइड करोगे, फिर उसके ऊपर बेस बनाओगे तो बेस आपकी बहुत फ्लॉलेस बनेगी। फोर्थ पे है जी हमारे पास ये ब्राउन कलर का कलर करेक्टर। इसको यूज किया जाता है फेस को कॉन्टोर करने के लिए। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब भी हम मेकअप करते हैं तो फेस की कंटूरिंग की जाती है। ये तो होगी हमारे कलर करेक्टर्स की स्पेसिफिकेशंस, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत डिटेल में बता सकूं, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी अगर आप कहोगे तो, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो है ना नो मेकअप लुक के लिए फाउंडेशन बनानी है एंड उसके लिए हमें ये वाले तीन कलर करेक्टर्स चाहिए। जो कॉन्टोर वाला कलर है वो मैंने निकाल दिया है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये वाले तीन कलर करेक्टर्स चाहिए। तो देख लेते हैं कि अब इसको बनाना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, इनको मिक्स करने के लिए मैं अपना हैंड ही यूज करने वाली हूँ, ताकि इसका शेड जो है ना वो मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं कि आपके स्किन टोन के साथ मैच हो गया है या नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें तीनों कंसीलर्स की इक्वल क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इक्वल क्वांटिटी में लूंगी और आपको जितना यूज कर रहे हैं आप उस हिसाब से बनाओगे। मैंने इसको अपने हाथ पे निकाल लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है जी अपना ऑरेंज कलर करेक्टर, उसके बाद मैं लूंगी यहाँ पर अपना ग्रीन कलर करेक्टर एंड इसको भी मैं जो है ना इक्वल क्वांटिटी में ऐड करूंगी जितना कि मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर करेक्टर ऐड किया है। और आपको अंदाजा हो जाएगा जब आप इसको रखोगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका इक्वल करेक्टर ऐड हो गया है या नहीं हुआ। एंड यहाँ पर अब मैं यूज करूंगी अपना ये येलो वाला कलर करेक्टर एंड इसको हम जो है वो इसके साथ मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें बिल्कुल येलो स्टोन भी होती है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास जो है ना वो बेसिकली कंसीलर है, बहुत ज्यादा येलो नहीं है। अब हमारे पास ये तीनों कलर्स है ना ये इक्वल क्वांटिटी में ऐड हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे मिक्स करना है, इनको जो है ना फिंगर के साथ ही मिक्स करना है। अभी जब आप इसको मिक्स करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक बहुत ही मजे का पीची सा और बिल्कुल आपकी स्किन टोन के जैसा शेड जो है ना यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी स्किन पे जब आप अप्लाई करोगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा ही लुक देगा जैसे कि आपकी नेचुरल स्किन है, आपने ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, वो आप इसको कॉलेज लगा के जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जब ये मिक्सर बनाना है ना, आपने अपने कॉम्प्लेक्शन को अपने माइंड में रखते हुए ये मिक्सर बनाना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा फेयर है देन आप सेम ये वाला टोन लगाओगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये पीचीनेस जो है ना ये अच्छी लगेगी फेयर स्किन टोन पे, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मीडियम है या फिर आपका कॉम्प्लेक्शन गंदुमी है तो आपने इतना ज्यादा पीच कलर जो है ना वो यूज नहीं करना। आप इसके अंदर थोड़ा कंसीलर की क्वांटिटी ज्यादा ऐड करोगे ताकि इसकी जो पीचीनेस है वो थोड़ी कम हो जाए, तो वो डार्क टोन पे या मीडियम टोन पे वो ज्यादा अच्छी लगेगी। अभी जी अपना जो हमारा ये वाला मिक्सर था, इसको हम अप्लाई करेंगे आपके फेस के उन उन पार्ट्स पर जहां पर आपको लगता है कि आपको उसको इवन करना है, मतलब जो आपकी अनइवन स्किन टोन है ना, आपको इसको जस्ट वहां वहां पर अप्लाई करना है।
सो मैं इसको, आप इसको पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, इतना अवर नहीं लगेगा, ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा अगर आप इसकी ब्लेंडिंग अच्छी सी जो है वो कर देते हो। तो मैं इसको पहले फिंगर के साथ अप्लाई करूंगी अपने आईज के नीचे, आईज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे क्योंकि पता नहीं बाकी लोगों को इश्यू होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन मेरी आईज के ऊपर वाला एरिया भी जो है ना वो थोड़ा सा डार्क है, आई डोंट नो व्हाई, या शायद होता ही ऐसे होगा सबका ही। तो अगर आपके साथ भी इशू है तो मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ फोरहेड से भी मेरा जो ये पार्ट है ना ये थोड़ा सा डार्क है, तो मैं इसको यहाँ पे भी अप्लाई करूंगी। सो बैकग्राउंड पे शोर आ रहा होगा आपको, वो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बाहर सब लोग बैठे हुए हैं तो मैं चुप तो नहीं करवा सकती उन्हें जाके। अपने नोज के साइड पे भी मैं थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। ब्लेंडिंग के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, आप अपनी फिंगर्स भी यूज कर सकते हो, तो आप अपनी फिंगर्स के साथ भी बड़ी अच्छी ब्लेंडिंग जो है वो कर सकते हो। फिंगर्स से ये होगा कि आपकी जो ब्लेंडिंग है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपकी जो फिंगर्स की नेचुरल हीट होती है ना उसके साथ बेस जो है ना वो इतनी मजे की ब्लेंड होती है, आपके स्किन के साथ एडजस्ट हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं हल्का हल्का जो है ना बाकी फेस के साथ भी, बाकी फेस पे भी जो है वो ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि हमारे बाकी का जो फेस है ना वो भी बिल्कुल इवन हो जाए। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं इसको यूं करके नहीं ब्लेंड कर रही, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रगड़ रही हूँ क्योंकि मैंने कोटिंग नहीं करनी अपने फेस के ऊपर, मुझे जस्ट अपने अनइवन पार्ट्स जो है ना फेस के उनको इवन करना है। एंड सेम मिक्सर जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था, अभी आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ मेरा जो फेस है ना वो बिल्कुल इवन होना स्टार्ट हो गया है, और ये इतना मतलब नेचुरल लगेगा ना, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, जैसे बीबी क्रीम वाला लुक होता है ना बिल्कुल लाइट सी बेस, इस तरह का लुक जो है ना ये आपको देगी। वैसे मैंने मिक्सर जो है वो ज्यादा अप्लाई किया फेस पे, अगर आप और ज्यादा लाइट और ज्यादा नो मेकअप चाहते हो तो आप इसको और ज्यादा कम क्वांटिटी में अप्लाई करोगे तो ये और भी ज्यादा नेचुरल लगेगा। सो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे कि आप कितनी कितनी क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हो। जैसा कि बेस होती है, अगर हम बेस बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं तो बेस हमारे जो है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, केकी हो जाती है, और अगर हम बेस की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी लेंगे तो ऑब्वियसली हम जो है ना वो लाइट बेस भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी जो फेस की बेस है वो ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुकी है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि कितनी मजे की बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक जो है वो हमारा आया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो ब्लशर लगाएंगे, हल्का सा मस्कारा लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, एंड दैट्स इट। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आपको ये वाली बेस अप्लाई करने के बाद जो है ना पाउडर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी यूज की है, और दूसरा हमने उसको जो है ना बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, हमने उसको स्किन के ऊपर नहीं छोड़ा, हमने उसको स्किन के साथ अब्सॉर्ब कर दिया है। मतलब मैंने सिर्फ आईज के नीचे और यहाँ अप्लाई की थी लेकिन मैंने उसकी ब्लेंडिंग करके उसको पूरे फेस के ऊपर एडजस्ट कर दिया है। इसे जो है ना आपकी बेस जो है ना वो स्किन के साथ बिल्कुल मर्ज हो गई है, कोटिंग नहीं है कि आपको उसको पाउडर के साथ फिक्स करना पड़े। फिर भी आप अगर इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो 12 आवर्स के लिए या 15 आवर्स तक के लिए आपके बेस जो है वो ऐसे ही रहे, फेस जो है वो आपका ऐसे ही रहे इवन, तो आप इसके ऊपर जो है वो पाउडर अप्लाई कर सकते हो हल्का हल्का सा, बिल्कुल ना होने के बराबर। सो यही था जी बस आज का वीडियो, होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो लाइक करोगे, वीडियो को आगे शेयर करोगे, व्यूज अच्छे आएंगे तो इट्स मीन कि आपको वीडियो पसंद आया है, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूंगी एंड आप लोगों के लिए मजे मजे के हैक्स लाती रहूंगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।